अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सौरभ। आज मैं बनाने जा रही हूँ लेयर्ड मैंगो ट्राइफल। बहुत अच्छा बनता है और बहुत आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने 3 मैंगो लिए हैं। मैंगो का मैंने पल्प अलग कर लिया है, इसको मैंने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके तो मैं ये आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने मैंगो प्यूरी बनानी है, उसके लिए मैंने 3 आम लिए हैं। आम का मैंने ये गुदा इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून शक्कर के डाल दूंगी। घर में जरूर आप ट्राई करें। 2, 3 और ये 4 4 चम्मच मैंने इसके अंदर शक्कर के डाल दिए हैं। इसके अंदर मैं 1 कप पानी का डाल दूंगी। इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी, उसके बाद इसकी प्यूरी बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंगो प्यूरी तैयार हो चुकी है, इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। जी व्यूअर्स, ये मैंने क्रीम का एक पैकेट लिया है, इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करने लगी हूँ। टेबलस्पून मैंने इसके क्रीम के अंदर, इसको मुझे बीट करते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं, इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून शक्कर के डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है और ये दूसरा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 2 टेबलस्पून हो गए हैं। अब मैं इसको डालने के बाद इसको बीट करूंगी। इसको हम 5 मिनट और बीट करेंगे। टेबलस्पून में इसके अंदर कस्टर्ड डाला है, वनीला कस्टर्ड। टेबलस्पून में इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डाल दिए इसके अंदर। ये डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। दूध बॉईल हो चुका है, इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। अब मैंने जो ये मटेरियल तैयार किया है कस्टर्ड का और ब्रेड क्रम्स का, वो मैं इसके अंदर ऐसा ऐसा करके डालती जाऊंगी और 7 चम्मच से हिलाती जाऊंगी ताकि नीचे से लग ना जाए। इस बात का आपने हाथ ध्यान रखना है कि नीचे से लगे ना। फ्लेम को हमने लो रखना है। इसके अंदर मैं 5 टेबलस्पून शक्कर के डाल दूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया शक्कर डालने के बाद। इसको हम पकाते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। अभी ये इतना गाढ़ा नहीं हुआ, इसको डिश आउट करते हैं। मैंने ये जो कस्टर्ड तैयार की है ये मैं इसके अंदर डालूंगी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कस्टर्ड को हमने सारा नहीं डालना, ये मैंने इतना इसके अंदर कस्टर्ड डाल दिया। इसको हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। थोड़े से मैंने आम लिए हैं, आम मैं इस साइड की तरफ डाल दूंगी। इसके अंदर जो मैंने मैंगो प्यूरी बनाई थी वो इसके अंदर अब डालेंगे। मैंगो प्यूरी डालने के बाद मेरे पास क्रीम थी, क्रीम मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। सारा कुछ इसके ऊपर डालने के बाद मैंने ये नारियल जो पिसा हुआ खोपरा होता है, ये बाजार से आसानी से मिल जाता है, ये इसके ऊपर डाल दूंगी। 2 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ खोपरा इसके अंदर ऊपर डाल देना है। 2 टेबलस्पून डाल दे, 3 टेबलस्पून डाल दे, ये अच्छा लगता है। कोको पाउडर ये मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया।
ये कोको पाउडर इसके ऊपर डाल देना है आपने। लेयर्ड मैंगो ट्राइफल तैयार हो चुका है, बहुत मजे का बना है। इसको आपने कम से कम 6-7 घंटे फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, और ठंडा करके आपने इसको खाना है, ये बहुत मजा आएगा आपको। मेरी वीडियो को लाजमी बनाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।